हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12 वोल्ट अडैप्टर को रिपेयर करने वाले हैं। हमारे पास ये अडैप्टर आया हुआ है और इसमें जो है नो पावर की प्रॉब्लम है, मतलब कि इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और इसको कैसे ठीक करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सीई प्लस 450 YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास 12 वोल्ट का अडैप्टर है और तो मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ इसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है, वो आप भी देख लो। हमने इसको अभी लगा दिया है पावर के लिए और हम इनको मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को DC 20 पे सेट करना है, जैसे कि आपको पता होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको 0.17, तो यहाँ पे हमको वोल्ट ऐसे मिल रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 1.19 और इस तरह का वोल्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमको 12 वोल्ट आना चाहिए था। मल्टीमीटर को हमने रीसेट किया और अभी फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमको 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, इसको बंद करते हैं और अडैप्टर को कर लेते हैं ओपन। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम अडैप्टर को ओपन करने के लिए हम थिनर का यूज करते हैं। हम इसमें थिनर डाल देते हैं पहले और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद ओपनर की मदद से हम या किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको ओपन करते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद में फिर थोड़ा थिनर डाल के और फिर ओपन करें। कुछ इस तरह से आपको ओपन कर लेना इसको। तो यहाँ पे हमने इसकी सर्किट को बाहर निकाला है और अभी चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे डैमेज के लिए, कुछ टूटा हुआ तो नहीं है। तो हमने अभी यहाँ पर देख लिया है, कुछ टूटा हुआ तो नहीं मिला है। और अब हम इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करके हम सबसे पहले इसकी केबल को चेक करेंगे, केबल ओके है या नहीं ओके है। तो केबल को चेक कर लेंगे पहले, क्योंकि केबल खराब होने पर भी हमको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है और आउटपुट हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी नहीं मिली, ग्राउंड के हमने चेक किया। अब ये प्लस वायर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको प्लस का भी कनेक्शन आया था थोड़ा सा, फिर चेक करते हैं। हाँ, तो इसमें वायर में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आ रहा है जा रहा है। हम वायर को जब फोल्ड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है। कुछ इस तरह से वायर को फोल्ड करके देखते हैं। तो हमें लगता है इसकी वायर में प्रॉब्लम है। हम ये देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से ब्रेक है। एक बार और चेक करते हैं। तो यहां से कहीं से ये कटी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वायर को पहले बदल करके फिर से चेक करते हैं इसको। आप चाहे तो इसको वहाँ से काट करके आप चेक कर सकते हैं और उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, किया था एक अडैप्टर का रिपेयर वहाँ से काट करके। अभी हमारे पास इसकी दूसरी वायर रखी हुई है, एक्स्ट्रा की है, तो हम उसको लगाएंगे उसमें। तो इसकी जगह हम ये वाली वायर को लगाएंगे।
तो चले फटाफट से लगा लेते इसको। वायर को अडैप्टर में लगाने पहले वायर में थोड़ा सा सोल्डिंग कर ले और उसके बाद में सोल्डिंग कर रहे अडैप्टर में। और लगाते समय आप प्लस माइनस देख करके लगाएं क्योंकि दोनों वायर के कलर ब्लैक होते हैं और लेकिन जिस वायर में हमको वाइट कलर का बिल्ट या पट्टा दिखता है, वाइट वाइट करके लाइन बनी रहती है, वो वायर हमारी प्लस की होती है। जो पूरी वाइट होती है वो हमारी माइनस की होती है। तो ये देख करके आप लगाएं। और यहाँ पे थोड़ा सा हमको ट्रैक उखड़ा हुआ दिख रहा है तो हम ट्रैक को भी सोल्ड कर देते हैं। और अब इसको पैक करके हम चेक करते हैं और देखते हैं हमारा अडैप्टर ओके हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे डिटेल में और भी चेक करेंगे। टेप मारना ज़रूरी है क्योंकि हम जब बोर्ड में लगाएंगे इसको तो निकालते समय हो सकता है कवर निकल जाए, तो थोड़ा सा टेप मार देते हैं यहाँ पे। तो अब हम फिर मल्टीमीटर की मदद चेक करेंगे, मल्टीमीटर को DC20 में सेट कर लेंगे और फिर से हम चेक करेंगे इसके आउटपुट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी इसका जो है आउटपुट हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मैं वायर को चेंज करते हैं, ये वायर अच्छे है, फिर भी हमको यहाँ पर अभी आउटपुट नहीं मिल रहा है। एक बार और दिखाता है मैं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.005 ऐसा भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो सॉरी दोस्तों, हमको इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा और फिर इसको हम डिटेल में और चेक करेंगे और भी कहीं इसमें प्रॉब्लम है। तो हमने इसको निकाल दिया है और चेक करते हैं इसके कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे दो कैपेसिटर दिए हुए हैं फिल्टर कैपेसिटर, तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है। तो जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं होता है तो हमारी इनपुट जो है प्राइमरी सेक्शन, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें भी हमको वैसी प्रॉब्लम मिल रही है ताकि क्योंकि हमारा जो फिल्टर कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं हुआ है। तो अभी हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हमारा जो AC वोल्ट है वो आ रहा है सर्किट तक कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंटिन्यूटी पे हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको बीप मिल रहा है, बीप का साउंड आ रहा है। तो हमारा AC के वायर जो है वो ओके है। और अभी हम देख लेते हैं हमारा आउटपुट शॉर्ट तो नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे फ्यूज दिया हुआ है, फ्यूज को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज भी ठीक है। जैसे आपको पता होगा ऐसी प्रॉब्लम आने पर प्राइमरी में प्रॉब्लम होती है तो हम फ्यूज को चेक करते हैं और कैपेसिटर चेक करते हैं, फिल्टर कैपेसिटर को चेक करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करते हैं, कॉइलों को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉइल लगी हुई है, इसको कॉइल को भी चेक करते हैं। फ्यूज है हमारा कट सा, और ये फ्यूज जो है ये आकर के कॉइल से कनेक्ट है लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी हमको जो है कॉइल पे नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ की कॉइल पे देखें तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.003 ओम्स आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ये कॉइल में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो इस कॉइल को बाहर निकाल के फिर से इसको चेक करते हैं। क्योंकि ऐसे चार्जर में या अडेप्टर में बोल सकते हैं, अडेप्टर में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कॉइल की होती है, इसकी ट्रैक निकल जाते हैं या ब्रेक हो जाती है, जब भी अडैप्टर गिरता है तो गिरने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है।
तो अभी यहाँ पे कंटिन्यूटी हमको नहीं मिल रही है कॉइल की, तो हम कॉइल को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं और देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसको निकालने के लिए हम पहले इसको सोल्डिंग करेंगे, थोड़ी सी सोल्डिंग वायर लगाएंगे उस पर और फिर डिसोल्डिंग पंप की मदद से हम इसको डिसोल्ड करेंगे। यहाँ पर हिलाने से लग रहा है कि अभी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जब चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर तो हमको प्रॉब्लम दिख रही है इसमें मल्टीमीटर में। थोड़ा सा और इसको निकाल देते हैं, ब्लू लगा हुआ है सिलिकॉन, तो ये कॉइल टूटी हुई है, यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, इसका मतलब अडैप्टर गिरा हुआ है, कहीं पे गिरा था। तो इसको कैसे बनाएंगे या हम दूसरी लगाएंगे, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। तो चले पहले इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर की मदद से, बाहर निकल के भी चेक करना बहुत जरूरी है, इससे हमको पता चल जाएगा किधर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है हमको और इधर हमको कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, मतलब ये दो लेग में ये प्रॉब्लम है और इधर ही का टूटा हुआ है। तो देखते हैं ये पॉसिबल है क्या रिपेयर करना, ट्राई करेंगे इसको बनाने की। तो इसकी वायर जो है ये निकल के यहाँ अंदर चली गई है, हमको खींच करके लगाना होगा। जो टूटा हुआ है उसको फेविकिक से जोड़ दें, किसी भी ग्लू की मदद से चिपका दें, जुड़ जाता है और काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी जो वायर निकली हुई थी हम उसको सोल्डिंग करेंगे इस पर, इसकी लेग पे अच्छे से लगा देंगे। और सोल्डिंग करने के बाद में इसको जरूर से जरूर चेक करेंगे अडैप्टर में लगाने के पहले। चेक करते हैं, देखते हैं, नहीं अभी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही हमको। अगर आपके पास दूसरा हो तो आप दूसरा कॉइल यहां पर लगा सकते हैं और वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको ट्राई कर रहे हैं रिपेयर करने की। अदरवाइज हम दूसरे साइज का फिर ढूंढ करके हम इसमें लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमें सही से कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, एक बार हम और इसको अच्छी तरह सोल्ड करते हैं, जैसे अच्छी तरह सोल्डिंग जो है वो नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे वायर बहुत छोटी सी है और हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत टाइट है अंदर में, तो बहुत ही छोटी सी वायर निकाल पा रहे हैं हम यहाँ पे सोल्डिंग के लिए। और अभी करने के बाद में फिर से चेक करते हैं, देखते हैं कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अभी दिखी थी और अच्छे देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कंटिन्यूटी जो है हमको मिल रही है 003004। तो ये भी हमारी कॉइल बन गई है, अब इसको लगाते हैं अडेप्टर में और फिर हम इसको पैक करके चेक करते हैं। अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर दें और सोल्डिंग करने के बाद भी चेक कर लें क्योंकि हमने अभी वहाँ पे जंपर किया है, उसके वायर को सोल्ड किया है, तो हो सकता है गर्म की वजह से निकल जाए, तो इसलिए हम इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा क्लीन करके चेक करते हैं, ठीक है अभी यहाँ पे हमको ऑन देखने के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, इसको फटाफट से पैक करते हैं और टिप लगाने के बाद में इसका आउटपुट जो है वो चेक कर लेंगे। तो हमने पैक कर दिया इसको, अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे 11.3244 को वोट मिल रहा है। तो दोस्तों ये रिपेयर हो गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।